मैंने मेरे में शिविर तो आज हम आपको इस रोलर का रिव्यू देने वाले जो कि काफी अच्छा रोलर है, देख सकते हो आप। काफी मस्त रोलर है। अगर आपको मैनुअल दी गई है इसकी, ओके, और आप ना इसको ओपन करके इसको अंदर पैकेजिंग देख सकते हो, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आया है ये। आपको एक ऐसा मिलता है, एक मैं खोल है, एक में ऐसा एक छोटे वाले दिए पास पास और एक दूर दूर दिए, ओके। और इसमें आपको ना एक ऐसा पाइप मिलेगा स्टील का, ओके। और ये देखो एक हाथ पकड़ने वाला, और एक इसमें आपको एक मैट भी मिलेगी। अब इसको फेंकते हैं अपन उधर, ओके। तो गाइस देख सकते हो मैट और ये उसके हैंड पकड़ने वाले ये, और आप देख सकते हो ये हाथ पकड़ते हैं इसमें, और ये एक पाइप और ये एक गन है ना। और आप इसका देख सकते हो ये स्क्रू है, और एक इसमें ना मैकेनिज्म भी है, तो जब अपन पीछे जाएंगे ना तो अपन पीछे जाने में मदद करेगा, ओके। तो गाइस चलो इसको थोड़ा सा असेंबल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ना ये जो पाइप है इसको इधर लगा देना है, और ना ये जो है ना हैंड पकड़ने वाले इनको ऐसे लगाना है, और ना और ये अपन को करने के बाद आपको ऐसे फिट कर लेना है। एक मिनट, ये गलत लगा दिया मैंने, एक जगह मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ओके गाइस। तो ये देख सकते हो बन गया है, और ये मैट किस काम की है बोलो, पूछो, एक तो मतलब है पूछने का। तो गाइस इसको ऐसे ये घुटनों पे रखते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं, उसके बाद अपन को इसको ऐसे ऐसे करना रहता है, हालांकि मैं उल्टे भी पकड़ सकता, ये मैं शायद उल्टे पकड़ा हो, ओके। इसको ऐसे यूज करते हैं, और आपको मैं अगली वीडियो में अपने डंबल्स के बारे में भी बताऊंगा, मेरे पास एक्सरसाइज के डंबल्स भी हैं, और मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, और वेट प्लेट भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। तो काफी मस्त है, ऐसे ऐसे चल सकती है। चीज है जो कि मैं आपको पुशअप की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। और आप इसके स्क्रू देखो, इसके अलग टाइप के हैं स्क्रू, और ना आपको ना सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको ये स्लिप ना हो, इसलिए आपको इसको जोर-जोर नहीं करना है, बड़बड़ में आराम से करना है, इससे स्लिप ना हो पाए, ओके। तो अब आपको ना इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बाय।